प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से दो नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर, ये ट्रेनें मुंबई से साईनगर और शिरडी और मुंबई से सोलापुर के लिए चलाई जाएंगी, उन्हें रवाना किया। इसके बाद से महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेनों की अब संख्या 4 हो जाएगी, जबकि देश में अब कुल 10 रूटों पर यह ट्रेन चलाई जा रही है। बता दें कि इस मौके पर मोदी ने कहा कि आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मेट्रो और पोर्ट बनाए जा रहे हैं, देश के बजट में भी इसी भावना को सशक्त किया गया है। साथ ही भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं, इसमें भी रेलवे का हिस्सा 2.5 लाख करोड़ रुपए है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है।